देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड प्रदेश में मौसम करवट बदल रहा है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे तक विशेषकर चकराता मसूरी समेत टिहरी पौड़ी पिथौरगढ़ नैनीताल मुक्तेश्वर में ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि मौसम विभाग ने चार धाम को लेकर बर्फबारी की संभावनाएं जताई है। उधर दून के आसपास के इलाकों में आशंकित रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने सुबह और दिन में मौसम को लेकर तापमान में आ रही भारी बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्कता बरतने की बात कही। इसके साथ ही बारिश और बर्फबारी प्रदेश में फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल आज आप कह सकते हैं कि आज 5 तारीख है फरवरी की, और कल 6 के फोरनून तक आप ये कह सकते हैं करीब करीब जो एक्टिविटी पूरे स्टेट में मिलने वाली है, तो उसमें हमने जो है 5 और 6 के लिए आप ये कह सकते हैं, 5 के लिए विशेष कर कह सकते हैं, आज की अगर बात करते हैं तो अनेक जगहों पर आपको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी मिलेगी। जहाँ तक मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की बात है, वो अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ है या बागेश्वर, और इधर आप बात कर सकते हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें एक्टिविटी बेहतर रहेगी और मॉडरेट तरह की मिल जाएगी। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ एक्टिविटी लाइट ही रहेगी मेनली, और जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करें तो हो सकता है स्कैटर तक ही रहे। तो ओवरऑल अगर उत्तराखंड की बात करें तो आपको मैनी प्लेसेस जो है लाइट से मॉडरेट जो एक्टिविटी है वो मिल जाएगी। स्नोफॉल की है बर्फबारी की बात है तो वो 2,500 मीटर या उससे ऊपर के जो एरियाज रहेंगे वहीं पर कन्फाइंड रहेगी। और इसके साथ साथ हमने ओलावृष्टि के लिए भी बोला है कि इसी दौरान जो आज शाम से लेके और कल जो फोरनून तक का जो पीरियड है करीब करीब जो है आप कह सकते हैं 18 घंटे या 12 घंटे का जो पीरियड रहेगा शाम से लेके कल फोरनून तक का जो है, तो उस दौरान आपको ओलावृष्टि भी जो है जो मिडिल हिल्स है जैसे मसूरी आप कह सकते हैं, चक्रोता कह सकते हैं, या नैनीताल मुक्तेश्वर है, पिथौरागढ़ है, और या पौड़ी वगैरह जो एरियाज हैं, तो इनमें आपको कहीं कहीं पर जो है आपको जो है, ये तो मैंने लोकेशन बोली, तो बात आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी हिल्स हैं उसमें कहीं कहीं पर जो है हिली एरिया जो है हायर रीजेज में तो 2,500 अबाव जो बोला मैंने कि तो वहाँ पर तो जो है आपकी स्नोफॉल एक्टिविटी मेन रहेगी। तो जो लोअर हाइट्स की एरियाज हैं या ये कह सकते हैं जो हिल्स हैं हमारी, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर ओलावृष्टि आपको देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।